तो ये एक रिव्यू एपिसोड है। एमिलीना अपनी जान पे खेल करके कैसे भी अगस्ती की मॉम बचाने में सफल हो जाती है, लेकिन जब इन सभी चीजों के कारण जो जानकारी उसके पास में आई होती है कि कभी भी कुणाल ने तेज को तो मारा ही नहीं था, और सोसाइटी की जो मिस्ट्री निकल करके आती है, ये सारी चीज जब वो फैमिली वालों को बताती है तो सच में उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और मीरा निर्दोष है। तो इसके लिए भी इमली के पास में कुछ अच्छी खासी सबूत होती है जो ये कहती है कि अगर मीरा कातिल होती तो कोर्ट उसे इतनी जल्दी कैसे रिहा कर देता, ये भी सोचने वाली बात है। अब इस सारी चीजों को जानने के बाद में कहीं ना कहीं घर वालों के मन में कई सारे बातें उठने लगती है कि क्या सच है मीरा निर्दोष है या फिर वो खूनी है या फिर ये भी कोई मनगढ़ंत कहानी। अब इमली भी इस चीज को साबित करने के लिए ना मीरा का साथ में घर छोड़ने का फैसला कर लेती है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि अगर उसकी काकी माँ की जहाँ पे इज्जत ही नहीं है और सब कोई हर बार उसे गलत समझ रहे हैं तो फिर यहाँ पे रह करके कोई फायदा नहीं है। मंदिर में भी तो जो इसके ऊपर हमला हुआ था, किलर ने हमला तो किया था, लेकिन कैसे भी माता चंडी का रूप लेकर के मानो तो अब उस किलर की मौत तक तय होती, लेकिन फिर भी बेचारा जान बचा करके भाग जाता है। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है जो आने वाले एपिसोड की तुम सोच सकते हो कि शायद वो टर्निंग पॉइंट हो सकती है। खैर, यहाँ से कैसे भी बचा करके घर लाती है और अगस्त्य उनकी कंडीशन को देख करके उनको घर पे रखने का फैसला करता है। लेकिन अब इमली भी चाहती है कि भाई अगर ये घर पे है तो कोई इनके ऊपर कोई आरोप ना लगाए, क्योंकि अभी इनकी तबीयत खराब है और कुछ भी उल्टा सीधा शायद इनको और परेशानी में डाल सकता है। इस चीज के बारे में इमली को पता होता है। हालांकि सलोनी और बाकी जो लोग गए थे उस फैक्ट्री में वो अभी भी वहां पे बंधक बने हुए हैं, और वहां पे उनको पता चलता है कि यहाँ तो कुछ और ही कहानी चल रही है। मतलब कि कुणाल ने यहाँ पे आया, कुणाल ने ही फैक्ट्री में आग लगाई, कुणाल ने ही तेज को यहाँ पे आकर के मारा। अगर सारी चीजें सच्चाई है, अगर कुणाल ने मारा होता तो फिर तेज की तो मृत्यु कुछ टाइम पहले हो गई थी ना, और उसकी तो सुसाइड घर में की थी उसने, फैक्ट्री में नहीं। तो ये कुछ समझ में आता नहीं है, और थोड़ा सा यहाँ पे घुमावदार जो कहानी बनती है ना वो सलोनी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन जो बूढ़े बाबा होते हैं वो भी फैसला कर लिया होता है कि वो कभी छोड़ेंगे नहीं, बाद में अगस्त्य आएगा इनको बचाने के लिए। हालांकि फिलहाल अभी इनके पास में बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। ये बेचारे समझो कि एक बकरे की भांति एक रूम में बंधे हुए पड़े हुए होते हैं। मतलब ये चाह के भी एक दूसरे की ना मदद कर सकते हैं ना ही खुद को बचा सकते हैं। खैर, इसके बाद में अब इमली के पास में जो भी चीज़ें थी, जो जानती थी, वो सबको तो बता दी होती है। सबके अपने अपने फैसले हो जाते हैं। कुछ लोग जो सपोर्ट कर रहे होते हैं कि शायद मीरा को घर में रहने देना चाहिए। मीरा ने कुणाल को नहीं, बल्कि कुणाल ने मीरा को धोखा दिया था, क्योंकि उसने अपनी शादीशुदा होने की बात छिपाई, और रही बात की जब तुम पैदा होने वाले थे तब मीरा को एक एक्स से छोड़ दिया, तो वो अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे आई थी, और बस इसी में ये सारी चीज़ें हो गई। और वहाँ पे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि किलर ही था, वो नकाबपोश। सेम स्टोरी, यही सारी चीज़ें ना वो गांव वालों को भी पता होता है कि कुणाल ने उस किलर का रूप लेकर के, मतलब कि मुखौटा पहन करके, वो डरपोक था ऐसा वो सोचते हैं, और साल और करके उसने पहले तेज को मारा था, सेम मुखौटा। अब ये सारी जो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना, तो कहीं ना कहीं अब अगस्त्य के ऊपर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर यहीं पे एक और बात पता चलती है कि जब इमली और कैरी उसको मिले थे, यानी कि मीरा को उस नदी किनारे, तो वहाँ तो सुरक्षित इनको बचा करके ला रखे थे। तो फिर कहानी यहीं से थोड़ी सी अजीब हो जाती है कि भाई इसका सरगना कौन है, मतलब किसका हाथ है। तेज, कुणाल की मौत, कंपनी में आग लगाना, ये सारी चीज़ें कैसे हुई थी, तो पता चलता है धीरे धीरे। वैसे देखो यार, पता नहीं कितने दिन लगेंगे धनंजय को ये इंट्रोड्यूस करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, खाली हिंट देते रहते हैं बस। खैर देखो, वहाँ पे जो पता चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि चीनी की नानी वापस आने वाली है। तुम ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि आगे के स्टोरी लाइन बार बार हिंट ऐसा देना कि कैरी और इमली को बचाए थी, तो वो तो रियल कैरी और इमली थे। उस टाइम पे एक बंदे को फोन चीनी की नानी ने किया था कि तुम्हें उन दोनों को मार देना है, तुम छोड़ नहीं सकते। तो हो सकता है कि ये वही किलर हो जिसने कुणाल और तेज को भी मारा था। बस इसके साथ में एंडिंग कर दी जाती है। लेकिन जो इसका पोस्ट क्रेडिट होता है उसमें एक औरत जो ये आरोप लगाती है इमली पे, भाई तुम्हारा पति वास्तविक में मर चुका है, वो तो जीवित है ही नहीं, तुम कैसे बचा पाओगी उस मरे हुए इंसान को, जिंदा क्या कर पाओगी तुम। अब ये सारी चीज़ें जो ये नाटक में भाग लिए होते हैं तो वहाँ पे ओड़ा होता है, इमली को भी ये बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पे जब अगस्त्य ऐसे खुद के मरने का नाटक करता है तो हो सकता है कि शायद ये भी इसकी प्लानिंग हो, कि शायद ये किलर की नज़रों में खुद को मरा हुआ दिखा करके ऐसा साबित कर दे कि इमली असहाय हो चुकी है, कोई भी इमली का मदद करने वाला नहीं है। तब किलर शायद इमली पर हमला करे उस मौके का फ़ायदा उठा करके,
कह सकते हैं कि शायद इसकी ये प्लानिंग हो। जो भी चीज़ें होंगी ना अनएक्सपेक्टेड और काफ़ी मज़ेदार।